अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 8 Pro की। इसका जो हमें है फॉरेस्ट ग्रीन कलर, और इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए टी का लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा बेंचमार्क मिल रहा है। इसकी बैटरी की बात कर लीजिए, इसके अंदर जो बैटरी हमें मिल रही है 4500 mAh की बैटरी मिल रही है। इसकी LCD की बात कर लीजिए 6.5 inches की IPS LCD मिल रही है। इसका फ्रंट कैमरा 20 megapixel का है, बैक कैमरा जो रियर कैमरा है वो हमें मिल रहा है 64 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel के चार कैमरे मिल रहे हैं। और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए, इसकी प्राइस हमें जो मिली है वो 41,000 की मिली है। और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आप देख रहे हैं टेकबॉस टीवी। ओके गाइस, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसका रैपर को रिमूव करते हैं। तो हमें ये जो मिल रहा है 6 GB रैम के साथ और 128 GB रोम के साथ मिल रहा है फॉरेस्ट ग्रीन कलर। ओके, तो हमें सबसे पहले मिल रहा है एक केस जिसमें हमें एक सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें एक पेपर गाइड बुक मिल रही है, दो मिल रही है पेपर गाइड बुक, और एक सिलिकॉन केस मिल रहा है। सेकंड पे बात कर लीजिए, हमारी डिवाइस मिलती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मिल रहा है कलर, तो काफ़ी प्यारी लुक दे रहा है और आप देख सकते हैं इसका कलर की लुक। और जो हमें बैक पे मिल रहा है, हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और एक 64 megapixel का कैमरा मिल रहा है, एक सेंसर मिल रहा है 8 megapixel का, एक सेंसर मिल रहा है 2 megapixel का, और एक सेंसर मिल रहा है 2 megapixel के साथ, और एक फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो और इसके जो साइड पर एक पावर बटन मिल जाता है और एक अप एंड डाउन का वॉल्यूम बटन मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पे माइक्रोफोन मिल जाता है और कुछ भी नहीं मिलता। साइड पे एक सिम ट्रे मिल जाती है, वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। और नीचे वाली साइड पे हमें मिल जाता है हेडफोन जैक मिल जाता है, और टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है, एक और माइक्रोफोन मिल जाता है और एक स्पीकर मिल जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं और बकिया चीज़ को देखते हैं इसके बैक साइड पे। और इसके बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। ओके, जो ये अडाप्टर हमें मिल रहा है 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का अडाप्टर हमें मिल रहा है। और सेकंड पे बात कर लीजिए, इसके जो केबल है वो हमें मिल रही है सी टाइप की मिल रही है, आप देख सकते हैं, पर इसके अंदर हेडफोन नहीं मिल रहे हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल को। इसका मैं सेटअप स्टार्ट करके आपके पास दोबारा आता हूँ। ये सिम स्लॉट हम ओपन करते हैं जब तक सेटअप होता है कंप्लीट। ओके गाइस, तो हमें इसकी जो सिम स्लॉट मिल रही है वो हाइब्रिड सिम है, एक सिम या दो, एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं या फिर दो सिम एट अ टाइम आप चला सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा हो गया सेटअप कंप्लीट। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसका जो सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है माई डिवाइस में गए, और हमें इसका जो सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है MIUI वर्जन जो है 10.4.1 का हमें इसका मिल रहा है वर्जन। इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो हमें मिल रहा है पाई, हमें मिल रहा है इसका वर्जन एंड्रॉयड का।
और सेकंड पे बात कर ली जाए इसके कैमरे की, तो काफ़ी डिटेल के साथ हमें मिल रहा है कैमरा, इसका बैक कैमरा ठीक है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो हम चेक करते हैं। ओके, तो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें, काफ़ी डिटेल के साथ मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेलिंग कैमरा है इसका फ्रंट। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी तेज़ वर्किंग करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बंद किया और ये टच किया और ओपन हो गया, और ये फिर टच किया और ये ओपन हो गया, बहुत तेज़ है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी तेज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये किया हमने और ऑन हो गया, और जैसे ही मैं पावर बटन ऑन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और ये ऑन कर देता है, अनलॉक कर देता है फ़ोन को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।